कोरोना से जुड़ी रायपुर से एक और खबर हमें मिल रही है। दरअसल कोरोना से जुड़ी रायपुर से अच्छी खबर ये है कि 35 चिकित्सकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एम्स में नर्स स्टाफ की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 50 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। नर्सिंग सबसे बड़ी खास बात और अच्छी खबर यही है कि जिन चिकित्सकों की चिंता बनी हुई थी कि जो लोग इलाज कर रहे हैं कि कहीं वो इसकी चपेट में ना आ जाएं, लिहाजा 35 डॉक्टरों की टेस्ट कराए गए थे और वो नेगेटिव आए हैं। तो एम्स में नर्सिंग स्टाफ की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और स्टाफ के संपर्क में आने वाले 50 लोगों की रिपोर्ट वो भी नेगेटिव आई है। लगातार हमारे साथ सुप्रिया जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, जैसा कि अच्छी खबर ये भी एक तरफ मिल रही है कि जिन चिकित्सकों की चिंता थी, अब कम से कम उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो इस तरफ से अच्छी खबर है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर जिस डॉक्टरों के साथ में कांटेक्ट थे उनके और जिन्होंने जो कोरोना की चपेट में आए थे, तो उन डॉक्टरों की भी जांच की गई है और 50 की रिपोर्ट निगेटिव आना अच्छी बात सामने आ रही है। क्योंकि राजधानी में जो नर्सिंग ऑफिसर के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री जो है संभाली जा रही है और साथ ही संक्रमण के कारणों का भी नोडल अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की गई है और उससे पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इनमें जो संक्रमण हुआ है वो फैला कैसे है। तो इस तरीके से जांच है वो की जा रही है और जो बाकी की रिपोर्ट है वो भी आनी बाकी है। 90 लोगों जो है वो नर्सिंग ऑफिसर से कॉन्टेक्ट में थे और उस दौरान वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। तो ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें संक्रमण कहाँ से फैला और इस तरह से मतलब उनके 20 दिनों तक का जो रिकॉर्ड है वो भी लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। तो कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर रायपुर से यही निकल करके सामने आई कि 35 चिकित्सकों की रिपोर्ट भी कोरोना से नेगेटिव आई है और जाहिर है कि पहले रिपोर्ट आने से पहले जब जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, चिंता इस बात की बनी हुई थी कि जो लोग इलाज कर रहे हैं कोरोना पेशेंट्स का, कहीं वो उनकी चपेट में नहीं आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो काफी चिंताजनक बात हो जाती। लेकिन गनीमत रही और एक राहत भरी खबर यही रही कि 35 चिकित्सकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और साथ में जो इन चिकित्सकों के संपर्क में थे, ऐसे 50 लोगों के भी सैंपल दिए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। और अब खबर